खाके मर भर गया तो ये वीडियो ब्लॉग भी अपलोड नहीं होगा। वो रहा खेतों में। है दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं उठ गया, आज लेट हुआ, 8 बज गया। मतलब उठ के मैंने चाय तो नहीं पीता, मतलब बिस्किट खाया। और आज बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा, कल से बहुत ज़्यादा धूप है। ये धूप इधर से दिखता है, इतना ज़्यादा धूप। ये है घर का फ्रेश गेहूँ, सुखाने दूंगा इससे ही, मतलब तोड़ के मिल पे लेके जाके तोड़ के फिर बनाएंगे आटा। तो अभी हम लोग थोड़ा टहलने निकले हैं, टहलने, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे ही टहलने निकलेंगे, खेतों में जाएंगे। यहाँ भैंस पालते हैं, बहुत ज़्यादा भैंस है इधर। एक भैंस छाव पे बांध के रखा है, एक भैंस, भैंस पालते हैं, भैंस का दूध भी निकालते हैं। यहाँ है बांस का बागान, इधर सुबह सुबह लोग हल्का होने आते हैं इस बागान में। कुत्ता, इधर का कुत्ता बहुत डेंजर है, लोगों को खा देता है। मतलब ये एक कुत्ता है, कुत्ता नहीं है ये भालू है, ये कुत्ता भालू जैसे कुत्ता भी बहुत बड़ा बड़ा कुत्ता है, मतलब साइज में। धूप देने से इधर आने से हवा लगता है, वैसे भी बांस का बागान में हवा चलते ही रहता है। पैर वाला कैसा हो गया, लटक के जा सकते, लटक के नहीं जाएंगे लेकिन लटक के जा सकते। वो रहा सामने खेत, हम लोग बांस का बागान पार होके इधर आगे बांसों का बागान कुंदा। तो ये है जीजू लोगों का बांस का बागान। तो बागानों के बीचों बीच फिर से हम लोग आ गए इधर, ये सब फिर से आ गए। शिशु का पेड़, शिशु, ये पूरा जंगल, हम लोग जा रहे हैं पूरा जंगलों के बीचों बीच, घने जंगल, मैन वर्सेस वाइल्ड, जंगलों के पीछे बीच हम लोग जा रहे हैं। खुफिया रास्ते के, खुफिया रास्ते से हमारे अड्डे पे जा रहे हैं हम लोग। परवल का खेत है, परवल, लौकी, भिंडी सब है। ये तो धान ही है, धान का खेत, धान। ये मकई का खेत है, ये भुट्टा, और पहले जो देखा था वो सब नहीं है। ये फूलगोभी, फूलगोभी का खेत है, पूरा खेत ही खेत है, चारों तरफ बस खेत। इधर जिधर देखो उधर ही खेत, इधर भी खेत, आगे भी खेत, खेत, जंगल, हम लोग का भी खेत और जंगलों के बीचे बीच। और आम का पेड़ बहुत सारा इधर है, नीलगाय का झुंड है सामने, वो रहा, बहुत सारा है नीलगाय का झुंड सामने दी। वो रहा नीलगाय, पहली बार वो रहा, ये रास्ते से जाएगा, ये रहा नीलगाय, इधर से दिखेगा नीलगाय, ये रहा नीलगाय, नीलगाय वो रहा, वो दौड़ के जा रहा है नीलगाय। पहली बार देखा नीलगाय। नीलगाय देखने का मन था, शौक आया था। एक बार खेत में गया था तो मिला नहीं उधर, लेकिन इधर मिला नीलगाय। नील कलर का नहीं है, इधर है, जा रहे सर, वो रहा खेत के तो भाग रहा है नीलगाय, वो रहा खेतों में। हो, वो रहा खेतों में दिखेगा, वो रहा नीलगाय, देख रहा है इधर से, इधर देख रहा है, ये चला गया, चले गए नीलगाय। हाँ, दौड़ के चला गया, बहुत ज्यादा स्पीड में दौड़ता है। तो पहली बार देखा नीलगाय सामने से, ज्यादा सामने से नहीं, मतलब दूरी था, लेकिन देखा इधर, तीन थे इधर, दौड़ के चले गए। कलर वाला नील जैसा नहीं था, दूसरा कलर का था। इधर से पूरा दूर दूर तक बस धान धान दिख रहा है, बस धान ही धान, पूरा धान। मतलब हम लोग के तरफ भी है, लेकिन इधर भी है। खेत में कहाँ जाते हैं, आना होता नहीं ना, खेत में जाते ही नहीं है। तो ये खजूर का पेड़ है, ये छिलके रखा है, इधर से तारी निकालेंगे, तारी जो एक तरह का एल्कोहल जैसा नहीं है, ऐसे खाते हैं जिससे नशा लगता है थोड़ा बहुत, उससे निकालते है तारी। ऐसा बहुत सारे पेड़ों में ऐसा छिलके रखा है, दिखाई नहीं देता, इसमें भी छिलके रखा है, ये वाला, ये तो बुजुर्ग हो गया था। तो हम लोग इधर आ गए, इधर आके
गर्मी में चल के हमारा हाल बेहाल हो गया, बैठे हुए थे काजल दा तो बैठे हुए थे, तो हम लोग जाएंगे थोड़ा इधर से होके उधर करके खेतों की तरफ से, और अभी थोड़ा रेस्ट पे है हम लोग क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है, धूप कम दिया, सूर्य चढ़ते हुए हमको थोड़ा धूप में देखना नहीं चाहते, तो अभी हम लोग फिर से पैदल खेतों में आके मजा आ जाता है, हल्का होने में नहीं ऐसे घूमने में, कभी कभी इधर तो बीचों बीच से जाना होगा ऐसा करके मैं तो हाफ पैंट पहन के आ गया शॉर्ट और छाले वाले पर गए जाएंगे इधर से। यो यार से नहीं, मतलब हमारा ही खेत है, समझ लीजिए नहीं, हमारा ही खेत है, नहीं तो दूसरे के खेत से थोड़ी उठाएंगे। पूरा परवल जमा कर लिया, ये रहा परवल, तो अब हम पारेंगे बेल तोड़ेंगे अभी बेल का पत्ता तो तोड़ लिया, एक दो बेल तोड़ा, एक बेल अंदर है, एक बेल तो मेरे हाथ में, किधर गए हो, इधर था बेल जाए, बोले कौन किसी धीरे नहीं आई, नहीं ले लो मैं, ये रहा और एक बेल, हाँ ये बहुत बड़ा है इसके मुकाबले, तो करेक्ट है इसके मुकाबले ये बड़ा है, काफी ज्यादा बड़ा हो गया, और एक और बेल है लेकिन वो तोड़ने का नहीं। तो खेतों के बीचों बीच से हम लोग आ गए मंदिर में, इस मंदिर में जो कल भी आए थे इधर उस साइड से, इधर से आए थे, इधर से आके इधर आ गए, ये भैंस, दो भैंस इधर, भैंस पाले जाते हैं बहुत ज्यादा, भैंसों का दूध पीते हैं, ये तो दूध नहीं देगा, थक ऐसा देखिए गुस्से में दिखता है, ऐसा लगता है मैं वीडियो कर रहा हूँ उसको पता चल रहा है, ऐसा नहीं करते, कच्चा भी खाया जा सकता है, लेकिन ये छोटा इसका एकदम छोटा सा, ये जंगली न की बोरे खाया भेलते ना, देख लो खा वा के मरना जमे बाद कुंडली, ये छोटा सा है, इसको खा के देखता हूँ मैं, खा दो बेटा, खा के मर गया तो ये वीडियो ब्लॉग भी अपलोड नहीं होगा, बहुत ज्यादा तीता था, अभी मैं मुंह धोने जाऊंगा, यहाँ पे कितना सुंदर हवा चल रहा है, मतलब कितना आरामदायक, मतलब गांव में आने से गांव में ही रहने का मन करता है, काफी अच्छा हवा है। तो हम आ गए घर, इधर मावई सुखा रहे थे गेहूं, तो क्या करे हैं, मावई सुखा रहे थे गेहूं, ना बोले तो क्या बोले, आप तो सुखा रही थी ना, सुखा रही थी, तो आ गया, बहुत ज्यादा गर्मी है, अंधेरे रहूंगा वो, और इधर रीमा बना रही थी राजमा का पकौड़ा, रीमा दांत खिल के हंस रही है, इधर राजमा, ये रहा राजमा, गांव में आते नहीं इसके वजह से, किचन वाला आधा बना के रखा है, इधर आते ही नहीं इसके वजह से, पूरा गांव के स्टाइल में, मैं घर में रहने से रीमा तो पूरा मिक्सी में बनाती है ये सब, और इधर आके पूरा सिलपट्टा, इधर सिलपट्टा बोलते हम लोग। तो अभी शाम का टाइम है, मतलब हम लोग खाना खा के, खाना 3 बजे खा लिया था, अभी करीब 5:30 बजा है, हम लोग ऐसे बाहर बैठे हुए हैं सभी लोग, तो ऐसे ही बैठे हुए हैं इधर, उसके बाद हम लोग भोज खाने जाएंगे इधर, भोज ना, भोज खाने जाओगे ना क्या हिमांशु, किधर भोज है, भोज किधर है, उधर, मतलब 5,000 लोगों को भोज खाने बुलाया है। तो अभी हम लोग सब्जी लेने आए हैं, बाजार करने आए हैं रास्ते से, आज बहुत ज्यादा भीड़ है बाजार में, मतलब बाजार में नहीं रास्ते में, इधर भोज दिया है 5,000 लोगों से ज्यादा लोगों को इन्वाइट किया है, उसके वजह से इतना जोर जोर से गाड़ी चलाते बाइक चलाते कि उड़ा ही देंगे, ऐसा करके सब्जी बाजार करके फिर बाकी कुछ सामान लेके फिर जाएंगे घर,